हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्राफ्ट व्लॉग फैमिली। सो गाइस, टुडे इज आवर 9 डे चैलेंज। सो गाइस, टुडे इज वी आर लर्न अबाउट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो गाइस, बिफोर डेज वी आर लर्न अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑन 8 डे चैलेंज। सो गाइस, टुडे इज अवर 9th डे चैलेंज। सो गाइस, वी आर लर्न अबाउट पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो गाइस, ऑन पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऑन पैसिव वॉइस में इसका जो फॉर्मूला है वो वॉज वर्ब प्लस है बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं रहा तो फिर जान लीजिए कैसा होगा आपके हाल, आपका फॉर्मूला या फिर सेंटेंस का। सेंटेंस है फर्स्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग बना लेते हैं सी वॉज बाइंग बुक्स। इसका जो हम लोग पैसिव में अगर इसे हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से तो इसका आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट में आएगा। तो इसका ऑब्जेक्ट में जाएगा बुक्स, बिकॉज बुक्स इज ऑब्जेक्ट। बुक्स के बाद में क्योंकि बुक ऑब्जेक्ट था दैट्स व्हाई हम लोगों ने बुक्स लगाया। देन उसके बाद में यहाँ पे वॉज वर, तो ये पास्ट कंटिन्यूस की बात चल रही है तो हमें वर लगाना होगा। बुक्स वर के बाद में यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ जो हमें हेल्पिंग हम लोग लिया है एक और वो है बीइंग हेल्पिंग वर्ब। सो गाइस, वो हम लोगों ने लिख लिया। देन उसके बाद में बाइंग का आएगा थर्ड फॉर्म में आ जाएगा बाइंग का बॉट BOUGST बॉट। देन उसके बाद में बुक्स वर बीइंग बॉट के बाद में यहाँ पे बोला है शी तो बाय हर आ जाएगा। बस छोटी छोटी बातों से हम लोग को समझना है, आपको इजीली समझ आ जाएगा बाय हर। देन गाइज हम लोग ये बना लिए। देन उसके बाद में हम लोग जाते हैं 6th के और हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी सेम वैसा ही जैसे हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड बिफोर्स ऑल जो हम लोगों ने पढ़ा है उन सभी का सेम ही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद में सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सभी बहुत ही अच्छे हैं। बस आप सभी को समझने को बहुत सिंपल है सभी, आप सभी को समझना है बस, और कुछ भी नहीं। सो गाइस, चलिए हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। सो गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो पैसिव का फॉर्मूला है वो बहुत ही ईजी है, जो हम लोग ने टेंसेज में पढ़ा था उसी टाइप के है। हैज हैव लगा लेंगे हम, हैज़ हैव के बाद में मैंने आपको बताया था परफेक्ट में बीन लगता है, कंटिन्यूस जो हमने अभी पास्ट कंटिन्यूस में पढ़ा उसमें हमें लगाना ही होता है बीइंग। एंड जो प्रेजेंट की बात अगर हम लोग करते हैं मतलब फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आता है फ्यूचर में बी, तो याद रखिएगा। एंड कंटिन्यूस में बीइंग मतलब देखिए फ्यूचर में बी, कंटिन्यूस में बीइंग एंड लास्ट इज परफेक्ट में BWN बीन। बींग एंड बीन, BEING बींग एंड BEEN में फ़र्क है, आप बस ये याद रखिएगा। ये सब मैं भी नहीं, मुझे नहीं पता था, बस मेरे सर की वजह से मुझे पता है। तो आप सभी को भी, और उनका नाम बता देती हूँ प्रवीण सर, अगर उन्होंने अगर हमें नहीं बताया रहता तो हम भी आपको नहीं बता सकते थे, तो थैंक यू उन सर को। एंड गाइज ये देखिए हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगा लिया, बीन लगा लिया, प्लस उसके बाद में हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। हैज हैव हमने लगा लिया, बीन परफेक्ट में तो लगाना ही है, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इस वॉइस में वही लगता है। देन उसके बाद में हम लोग चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं फर्स्ट। सो सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं गाइज, जैसे कि मैं बना लेती हूँ एक, हैव यू पेड द बिल। अगर हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो चलो बना लेते हैं वॉइस में भी इंटरोगेटिव में, हैव यू पेड द बिल, हैव यू पेड द बिल इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए एक बार हम लोग बना लेते हैं, तो इससे हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करके बना लेते हैं हैज द बिल, हैज द बिल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लगाया इंटरोगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस में, मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के
सेंटेंस पैसिव में जो कन्वर्ट वाला सेंटेंस है उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन उसके बाद में हम लोग लगाएंगे, जैसे हम लोगों ने बनाया हैज़ द बिल तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, तो फिर हम लोग उसके बाद में लगा लेते हैं और एक हेल्प, मतलब हम जो हेल्पिंग वर्ब लिया है बीन वो लगा लेंगे। देन उसके बाद में हमको वो लगाने के बाद में जो बचा पेड बच गया है पेड, तो ये सब हम लोग लगा लेंगे। और यू है तो बाय किसके, यू के मतलब मेरे, बन गया आपका एंड क्वेश्चन मार्क पर है तो क्वेश्चन मार्क में ही लगेगा। ठीक है, देखिए हम आपको फिर से एक बार समझा लेते हैं। हैव यू पेड द बिल इंटरोगेटिव सेंटेंस में था तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल लगा लिया क्या, हेल्पिंग वर्ब, हैज़ द बिल लगा लिया, ऑब्जेक्ट भी लगा लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाया, देन उसके बाद में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाया द बिल ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने बीन लगाया है हेल्पिंग और ऑब्जेक्ट के बाद में हम लोगों ने बीन लगाया, देन उसके बाद में पेड़ बचा था और पेड़ किसके द्वारा हुआ, मेरे द्वारा मतलब यू के द्वारा, तो हम लोगों ने बाय यू लगाया। बहुत सिंपल, अगर आप लोग समझ सकते हैं तो आप समझ जाइए, बिकॉज ये अगर आपने आज समझ लिया तो आपको ज़िंदगी भर के लिए आपको याद रहेगा दोस्तों आप ये सारी बातें, और हमने जो हमें सर के द्वारा समझा है और सीखा है और समझते ही रहेंगे। और गाइस आप लोगों को भी हम वैसा ही और उतना ही समझाना चाहते हैं। सो गाइस ये आज का हमारा व्लॉग था, बहुत ही 9 डे चैलेंज में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पैसिव का जो फॉर्मूला था वो वॉज वर प्लस बींग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म था, उसमें हम लोगों ने एक सेंटेंस पढ़ा सी वॉज बाइंग बुक्स, उसमें हमने पैसिव में कन्वर्ट करके दिखाया ऑब्जेक्ट के साथ बुक्स वर बींग बॉट बाय हर, शी था तो शी का हर होता है, एंड अगर ही आ गया तो उसका ही में कन्वर्ट होगा। देन उसके बाद में हम 6 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, उसमें हम लोगों ने पैसिव का फॉर्मूला हैज़ है बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ा, बीन इज लाइक क्योंकि वो परफेक्ट था, बस ये याद रखिएगा उसका सेंटेंस हम लोगों ने पैसिव में एक्टिव में जो बनाया था वो था एक्टिव में जो बनाया था वो था हैव यू पेड द बिल इंटरोगेटिव में था, दैट्स हम लोगों ने हैज़ द बिल बीन पेड बाय यू, और सेंटेंस भी अगर आपने इंटरोगेटिव मतलब सेंटेंस अगर क्वेश्चन मार्क में है तो फिर उसका आंसर भी मतलब कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टू वॉइस वो भी क्वेश्चन मार्क में ही रहेगा। सो गाइज हम लोगों ने आज का व्लॉग हमारा ख़त्म हो चुका है, हम लोग कल पढ़ने वाले हैं 10 डे चैलेंज में, हम लोग 10 डे चैलेंज में पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। सो गाइज हम लोग मिलते हैं कल अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब एंड मोर शेयर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।